ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में लोगों की पेयजल किल्लत से छुटकारा मिलेगा। पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए बकायदा केंद्र सरकार से हमीरपुर को 38 करोड़ 30 लाख का बजट मिला है। ये बजट हर घर में नल से जल योजना के लिए दिया गया है। इससे अकेले हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के 81 गांव के 25,000 लोगों को गर्मियों में होने वाले जल संकट से मुक्ति मिलेगी। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसके तहत पलाही के नजदीक से ककड़ियार तक करीब 24 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हमीरपुर में लोगों की पेयजल किल्लत से छुटकारा मिलेगा। पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए बकायदा केंद्र सरकार से हमीरपुर को 38 करोड़ 30 लाख का बजट मिला है। ये बजट हर घर में नल से जल योजना के लिए दिया गया है। इससे अकेले हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के 81 गांव के 25,000 लोगों को गर्मियों में होने वाले जल संकट से मुक्ति मिलेगी। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसके तहत पलाही के नजदीक से ककड़ियार तक करीब 24 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मार्च 2020 तक ककड़ियार में 8 लाख लीटर भंडारण क्षमता का टैंक बनकर तैयार हो जाएगा, जहां से ग्रेविटी से जल हर घर के नल तक पहुंचेगा। इससे उनके विधानसभा क्षेत्र का करीब 1/4 भाग लाभान्वित होगा। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि यदि एक मकान में रहने वाले अनेक राशन कार्ड धारक हैं, तो उन्हें अलग अलग नल लगाकर पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे बलेड़ा, ठाणा, लम्बलू, जमली, मंदिर, डुग्गा, पंचैली सहित पहले से चली की वाटर सप्लाई स्कीमों को लाभ मिलेगा और लोगों को पहले से ज्यादा पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर नगर में भी शहरी योजना के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजना पानी टैंकों से सप्लाई होना शुरू हो गया है, जिससे गर्मियों में पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 38 करोड़ 30 लाख रुपए की स्कीम मंजूर हो चुकी है, पैसा भी आ चुका है, टेंडर भी जारी हो गया है और ये 25 तारीख को ये जो टेंडर ये ओपन हो जाएगा। तो इस स्कीम के तहत लगभग 25,000 पॉपुलेशन जो है वो कवर होगी। कालेआम से लेके तो लास्ट पंचायत हमारी चमनेर है, इन बिटवीन जो 7 जो हमारी WSS की स्कीम में हैं ये इसमें कवर होंगी। 25+2,000 के करीब इसमें स्टूडेंट है और 81 विलेजेस को इसका फायदा होगा। जो पहला जो टेंडर इशू हुआ, टेक्निकल सेक्शन हो चुकी है और 24 किलोमीटर लंबी लाइन क्रिया से पढ़ाई के पास से ये जो हमारा ककड़ियार है यहाँ को आएगा और ककड़ियार में लगभग 8 लाख कैपेसिटी का स्टोरेज टैंक वहाँ पे बनेगा और ये टाइम बाउंड है। आप हैरान होंगे कि जो नेक्स्ट मार्च जो 2020 का मार्च आने वाला है उस तक ये टैंक बन के तैयार होना होगा। 2020 सिस्टम तो हमारे ग्रेविटी वाला बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट फेज में वहां पर पानी पहुंचाना और नेक्स्ट लगभग इतने ही करोड़ का 17 करोड़ के करीब का जो नेक्स्ट हमने जो सप्लाई करना है वो उसके बाद वो अगला टेंडर होगा। लेकिन ये टाइम बाउंड है और 1 साल के अंदर अंदर मैं अगले साल जब हम तो ये पूरी स्कीम चालू होके ये जो हमारा लगभग 1/4 जो मेरे विधानसभा का क्षेत्र है इसको आगे 50-100 साल तक के लिए पानी की कोई किल्लत, पीने के पानी की किल्लत नजर नहीं आएगी।